भूलकर भी इन पांच चीजें नहीं गिरना चाहिए हाथ से, वरना हो जाएंगे कंगाल। नंबर एक, दूध। दूध सफेद चीजों में सबसे शुभ सामग्री माना जाता है। दूध का हाथ से नीचे गिरना संतान के जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है, जबकि गैस के चूल्हे पर दूध का गिरना शुभ माना जाता है। नए घर के वास्तु में जानबूझकर दूध को उबाल कर गिराया जाता है या खीर बनाकर नीचे गिराई जाती है। नंबर दो, नमक। नमक को कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इससे घर में आर्थिक तंगी हो जाती है। अगर किसी के हाथों से नमक नीचे गिर जाता है तो उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और ग्रह भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए हाथ से नमक का गिरना अशुभ है। कुछ लोग नमक के गिरने को उम्र से भी जोड़कर देखते हैं। नंबर तीन, शक्कर। शक्कर भगवान का प्रसाद माना जाता है। इसके नीचे गिरने से या शक्कर से भरा पात्र नीचे गिरने से अब फिर यह समाचार मिल सकता है, ऐसी मान्यता है। नंबर चार, चावल। चावल को अक्षत कहा जाता है। चावल भी सबसे शुभ पूजा सामग्री में गिने जाते हैं। चावल का हाथ से गिरना या चावल से भरा बर्तन हाथ से छूटना अशुभ समाचार मिलने के संकेत देता है, लेकिन नई दुल्हन के गृह प्रवेश में पैरों से चावल का कलश ठुलकाया जाता है। हालांकि कई विद्वान इससे गलत प्रथा बताते हैं, क्योंकि चावल अन्न है और हमारी परंपराएं अन्न को पैर लगाने की इजाज़त नहीं देती है। नंबर पाँच, नारियल। नारियल का भीतरी हिस्सा सफ़ेद होता है और नारियल अपने हर रूप में पूजा के उपयोग में आता है। नारियल का हाथ से छूटना तरक्की की राहों में अवरोध का संकेत है। रोजाना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।